माले यतीम के करीब भी ना फटको, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। यतीम किसे कहते हैं, माले यतीम क्या होता है, अल्लाह क्या फरमा रहा है इस आयत में? इरशाद अनी क़ेमत साहब, यतीम के बारे में क़ुरान मजीद में जो अहकाम बयान किए गए हैं, सबसे ज़्यादा जामियत के साथ सूरतुन्निसा में हैं, और इसके अलावा सूरह बनी इसराइल की ये आय मुबारका जो आपने तिलावत फरमाई, सूरतुल अनआम में हैं, सूरतुल बकरा में हैं, सूरतुल दहर में, सूरतुल फजर में, सूरतुल माउन में, कुरान मजीद में जा बजा यतीम के बारे में अहकाम बयान किए गए हैं। सबसे पहले जो आपने पूछा कि यतीम किसे कहते हैं, तो यतीम वो नाबालिग कि जिसके वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया हो, ठीक, वो यतीम कहलाता है शरण। और जानवरों में जिसकी माँ बचपन में मर गई हो, वो जानवर यतीम कहलाता है, क्योंकि इंसानों का नसब बाप से चलता है और किफालत बाप करता है, और जानवरों का माँ से चलता है।